अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस है। इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर हम देखेंगे कि अगर एक ही स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर आ जाते हैं, एक स्टेटमेंट के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर, एक लाइन के अंदर, एक पीस ऑफ कोड के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर आ जाए तो उनको कैसे सोल्व किया जाएगा। हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है, कौन से ऑपरेटर की है, हमने ऑपरेटर की जो लिस्ट पढ़ी है, हमने 4 डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेटर्स पढ़े हैं उनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी सबसे पहले कौन सा सोल्व करता है कंपाइलर, कंपाइलर सबसे लास्ट में किसको सॉल्व करता है और उसके लिए क्या एग्जांपल है, हम देख के उसको समझेंगे। आज के टॉपिक में ये सब कुछ जानेंगे जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस की अगर बात करें तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली ये होता है कि जी सबसे पहले कौन सी प्रायोरिटी वाइज हम सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सोल्व करेंगे। मीन्स की अगर हम अपने एंड पे बात कर रहे हैं तो हमारा तो प्रैक्टिकल लाइफ का जो रूल है, वो मैथ का रूल जो है, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जिसको हम लोग बचपन में मतलब करते आ रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं डी मैथ रूल, जिसके अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले एक एक्सप्रेशन के अंदर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा भी हुआ है, तो इसमें हम सबसे पहले डिवीजन को ही सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस और माइनस को सॉल्व करेंगे। लेकिन कंपाइलर का रूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बेसिकली ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, वो कहता है कि बेसिकली आपके किसी भी एक एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सोल्व किया जाएगा, इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस बोलते हैं। और बेसिकली ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है कि हम उन ऑपरेटर्स को प्रायोरिटी असाइन की होती है। जैसे कि टेबल आप इस बुक के अंदर, वो इस टॉपिक के अंदर देख भी सकते हैं कि जो टेबल बना हुआ है उसमें 9 डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स की लिस्ट बना दी गई, हर एक को रैंक असाइन कर दिया गया। रैंक नंबर 1 पे एक हमारे पास ब्रैकेट आ रही है, रैंक नंबर 2 पे हमारे पास नॉट ऑपरेटर आ रहा है, रैंक नंबर 3 पे हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉडुलस आ रहा है, इसी तरह से सो ऑन। आप कह सकते हैं कि 9th ऑपरेटर जो है हमारे पास इक्वल टू के ऊपर जाके खत्म हो जाता है। तो बेसिकली कंपाइलर क्या रूल करता अख्तियार करता है और कौन सी चीज को वो समझते हुए, देखते हुए वो सबको सॉल्व करता है, तो वो सबसे पहले जो हमारे पास ऑपरेटर की लिस्ट आती है, मल्टीपल ऑपरेटर मीन्स एक स्टेटमेंट के अंदर अगर आते हैं, तो वो इस टेबल के अकॉर्डिंग उसकी जो प्रायोरिटी उसको असाइन की गई है किसी भी ऑपरेटर को, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर देगा। अगर कोई सबसे पहले, जैसे कि नंबर 1 पे ब्रैकेट आ रही है, तो वो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, क्योंकि नंबर 1 पे ब्रैकेट आ रही है ना, उसका रैंक सबसे हाई है। कि अगर किसी स्टेटमेंट में ब्रैकेट आ जाती है तो सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाए। अगर उसके बाद हमारे पास उस ऑपरेटर के अंदर, उस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर कहीं पे नॉट लिखा होगा, तो नॉट ऑपरेटर की सेकंड प्रेसिडेंस है, तो सेकंड नंबर पे उसको सॉल्व किया जाए। फिर अगर डिवीजन, मल्टीप्लाई और मॉड आ रहा है तो फिर आप उनको सॉल्व कर दें। ठीक है जी, तो कोई भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस की अगर बात की जाए तो कोई भी ऑपरेटर अपनी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली, अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, उस रैंक के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग उनकी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली ही उनको सॉल्व करेंगे, जिसका नंबर पहले आएगा उसको पहले सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि अगर दो सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स से आ जाते हैं इकट्ठे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डिवीजन, मॉडुलस और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस सेम है, नंबर 3 पे इन तीनों की प्रेसिडेंस है, ये तीनों तो इकट्ठे आ रहे हैं जी, तो फिर अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर डिवीजन भी आ जाता है, मल्टीप्लाई भी आ जाता है और मॉड भी आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो कंपाइलर बेसिकली जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर, उसका रूल ये है कि जो सबसे पहले आ रहा होगा, जो लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स को, उनमें से जो सबसे पहले आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे, पहले वो उसको कैलकुलेट करेगा। इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जी, हमारे पास रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल है, इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7 मॉड 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज है। तो इनमें से सबसे ज्यादा हाई प्रेसिडेंस इस वक्त किसकी है जी, हाई प्रेसिडेंस है जी इसकी नंबर 1 पे, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, उसका सारा बाकी के कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कंपाइलर इसी रूल के ऊपर काम करता है, वो रूल एक्चुअली हम लोगों ने सीखना है कि वो किस मैकेनिज्म के ऊपर काम करते हुए ऑपरेटर को सॉल्व करता है। तो सबसे पहले 18 डिवाइडेड बाय 2 को सॉल्व नहीं किया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 को सॉल्व नहीं किया जाएगा, इस मॉड को सॉल्व नहीं किया जाएगा, ये सारे सेम एज इट इज आ गए। अब सिर्फ हम सॉल्व करेंगे इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये ब्रैकेट में आ रहा है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को इवेल्युएट करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर आ गया जी 20, सबसे पहले ब्रैकेट इवेल्युएट हो गई। उसके बाद डिवीजन भी है, मल्टीप्लाई भी है, परसेंटेज भी है, प्लस का तो जो है जो प्रेसिडेंस है वो बाद में आती है, पहले इन तीनों की आती है, लेकिन इन तीनों की तो सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जो सबसे लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे कौन सी आ रही है, डिवीजन आ रहा है, 18 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 9, 9 2 18 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 2 9 2 18 9 आ गया।
मल्टीप्लाई बाय थ्री किसी को सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी आप कुछ भी अगर करेंगे तो वो गलत होने के चांसेस होंगे। इसलिए हम लोगों ने बाकी सारे एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखना होता है और एक एक्सप्रेशन के अंदर एक एक वन टाइम में आप एक सिंगल ऑपरेटर को ही सॉल्व करोगे। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये 7 मॉड 3 इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, बट पहले ये आ रहा है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 9 3 27 प्लस बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें प्लस भी है, मॉड भी है, प्लस भी है, पहले प्लस आ रहा है लेकिन उसकी प्रेसिडेंस बाद में आती है, उसकी प्रेफरेंस नहीं है। नंबर थ्री पे मॉडुलस उस ऑपरेटर उस टेबल के अंदर मॉडुलस की प्रेसिडेंस अगर देखी जाए तो वो नंबर थ्री पे आ रहा है, प्लस की तो बाद में आ रही है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 27 एज इट इज लिखा रहेगा प्लस 7 मॉड 3 टू द 6 देखिए उसका आंसर आ गया 1। हम ऑलरेडी इसको ऑपरेटर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि रिमाइंडर हमें प्रोवाइड करता है परसेंटेज का साइन, तो 1 आ जाएगा प्लस 20 लेंगे। अब दोनों प्लस के हैं, आप सेम प्रेफरेंस भी है और ऑपरेटर भी सेम है तो आप इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। तो 27 प्लस 1 28 हो जाएगा, 28 प्लस 20 इट विल बी इक्वल टू 48। तो ये जी आपका एक्सप्रेशन सारा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया और इसी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली ही इसको सॉल्व करता है कंपाइलर। कंपाइलर इसमें कोई गलती नहीं करता क्योंकि लैंग्वेज के मैन्युफैक्चरर ने, सी लैंग्वेज के मैन्युफैक्चरर ने उसको बेसिकली ये कोड दे दिया होगा, ये इंस्ट्रक्शन दे दी हुई है कि आपने इस टेबल के अकॉर्डिंगली बेसिकली सॉल्व करना है। ये टेबल जो है बेसिकली वो वेरी भी कर सकता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज, लेकिन मोस्टली 90% जो है वो टेबल यही रहता है और ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस भी यही रहती है और इसी के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व किया जाता है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।